जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरु जी जय सत्यम सिद्धाय नमः आशीर्वाद। गुरु जी एक मेरे मन में प्रश्न रहता है और कई बार जो रही क्रिया योग से जुड़े हुए भक्त हैं उनका भी आता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे महापुरुष रहे हैं भारत के या विदेश में भी जो महापुरुष पैदा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए, आचार्य चाणक्य हुए, तो कई बार मन में प्रश्न आ जाता है कि ये लोग कहाँ गए, या भगवान राम हुए, ये जितने भी अवतार या महापुरुष कहे जाते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, एक बार जन्म लेने के बाद ये वापस क्यों नहीं आते। जैसे कई बार लगता है कि भाई समाज में पाप काफ़ी बढ़ रहा है लेकिन फिर भी इनके जो फॉलोअर्स होते हैं इन्हें याद करते हैं, तो इस प्रश्न का आप उत्तर दें कि भाई कहाँ चले जाते हैं। हाँ, तो देखो इसमें भी दो मत हैं। एक तो जो आप शास्त्रों में पढ़ोगे, पुराणों में, कि उसमें साफ लिखा है कि भाई ये भगवान राम कृष्ण ये आए, ये किसके अवतार है, ये विष्णु जी के अवतार है। तो ये जैसे ही इन्होंने अपना संकल्प पूरा करा, जिस भी मोटिव से आई है वो लीला प्रसंग पूरा करा और उस करने के प्रांत में ये वापस जो है अपने मूल देह में चले गए। तो एक तो विषय ये हो गया, वो व्यक्ति वहाँ पे है। और हम कितनी देर में समझा भी चुका हूँ कि हम केवल उसके जो बाहरी आवरण को उसको पूज रहे हैं और जो उसका आचरण है, जो वहाँ क्या कह चला गया वो व्यक्ति। अच्छा, अब आता है ये कि फिर जैसे मूल पे हो तो वो तो हो गए महाविष्णु में विलीन हो गए इस तरीके का, तो ये किस में चले गए, जैसे विवेकानंद हुआ, चाणक्य हुआ, या मैं कह रहा हूँ हिटलर हुआ, या मुसोलिन हुआ, या हमारे गांधी जी हुए, या और भी कोई भी इस तरीके के लोग भागे कहाँ चले जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि तुम देखोगे जैसे महात्माओं का विषय है, दो विषय हो गए। एक तो वो व्यक्ति हैं जो उनकी कोई समाधि वगैरह नहीं है, जो जिन्हें हम नेगेटिव माना गया, फिर भी हमें ये होता है कि भाई इसको यहाँ दफनाया गया है नहीं। और एक हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो होता क्या, इसे थोड़ी से सूत्र से समझोगे कि जैसे कंकड़ होता है, ये कंकड़ अवतरित होता है, अवतरित का मतलब है नीचे आना, ये मूल कंकड़ है, ये छोड़ा गया, किस छोड़ने के पीछे क्या है, यहाँ संकल्प है कि मेरे यहाँ मेरे मन में मेरी आत्मा में, मन तो है इच्छाओं का समूह, और फिर समूह इच्छाओं का किस तरीके से पूरा जिंदगी को लेकर बटा हुआ है, वो एक एक कर्म के आधार पर सिद्धांत पर बढ़ता चला जाता है और फिर वो लौटता राउंड भी है। ऐसा नहीं है कि वो कर्म के बाद में उसका फल और फल के बाद में फिर कर्म है, ये मोक्ष मैं की अक्षय अवस्था ना खत्म होने वाला मैं। तो जैसे वो कंकड़ गिरा एक समुद्र में, तो समुद्र में या छोटी सी तालाब में, तो अब फर्क आ गया कि जैसे मैंने और भी बताऊं कि परमाणु बम होता है हम महासागर में लगाते हैं तो ब्लास्ट करता हो, लेकिन उसका तरंग जो है कुछ किलोमीटर तक रहने के उपरांत में, क्योंकि इतना विशाल समुंदर होता है कि उसमें और भी बहुत सारे परमाणु बम छोड़े जाएं तो भी वो कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। और एक कंकड़ हो गया, तो ये जो जगत माना गया है ये एक महासमुंदर माना गया है, उस महासमुंदर में किस तरीके की आत्मा ने, जैसे एक परमाणु बम हो गया, न्यूट्रॉन बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, एक नॉर्मल बम हो गया, ये मिसाइल्स हो गई, ये इस तरीके से बटे हुए ये आत्माएं, ठीक है। जब ये आत्माओं का एक जैसी अवतरण हुआ, गिरा वो मोटिव प्रकट हुआ, वो प्रकट होता हुआ चलता चला जाता तरंग की भांति जितने भी वो क्षेत्र तक रहता है, और क्षेत्र के बाद वो तरंगित होकर वापस आता है और फिर चलता रहता है। तो ये जितने दिन चलेगा, क्रिया और प्रतिक्रिया जितनी होती चली जाएगी उसकी, आरोह अवरोह तरंग फैलती चली जाएंगी, उतना ही उसका वो मानो कि इतने साल तक का वो जन्म माना गया। तो किस में रहा, वो रहा भक्तों में, मतलब जैसे मैं हूँ तो मेरे से मैंने अपने शक्तिपात करा, शक्तिपात करा, अपना मोटिव करा, रही क्रिया योग को फैलाया और इसको फैलाता हुआ उसमें कौन कौन सी चीज़ें बचे जाएंगी, जो मेरी और भी कोई महत्वाकांक्षाएँ कि धर्म के इस क्षेत्र में भी और विस्तार होता, या मैं जो योग के और क्रियाओं को और बारीकी से सिखा पाता लेकिन मान लो ना सिखा पाया, तो जो है समझे उसको मैं पूरा जोर लगा के करूँगा। वो तो जोर, वो तो मुख्य है, और उसके साइड के जो पार्ट है वो शेष रह जाते हैं, वो शेष जो रह गए वो मैं लूँगा अगले में जन्म में। अब सवाल आता कब, कब लूँगा, तो जैसे जैसे मेरा प्रवाह है तुम लोगों के माध्यम से है, जो संसार में और हैं और जो मेरे पिछले जन्म से भी जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई तुम कहाँ से आ गए अचानक, बहुत बहुत दूर कलकत्ता बम्बई कहीं कहीं से विदेश से, ये सब जुड़े रहते हैं, ये कैसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो मुझसे पीछे से कनेक्ट रहे हैं। नतीजा जो मेरे पीछे तरंग है, तो तरंग आके पूरी हुई, जैसे तरंग वापस हुई धीरे धीरे तरंगें समटती चली जाती हैं, क्षेत्र जैसे पहले बढ़ाता क्षेत्र वैसे क्षेत्र कम होता चला गया, तो यहाँ पे आके एक बहुत पास में नज़दीक बन जाएगा। तो वो नज़दीक किसके रूप में बनेगा, किसी या नर या नारी के विषय में, तो मैं उस व्यक्ति के माध्यम को पकड़ के फिर जन्म लूँगा। मेरी एनर्जी जो तुम लोगों में माध्यम में गई है वो विस्तृत गुणा भाग होती हुई चली जाएगी और फिर वो लौटती चली जाएगी,
हैं। तो कई बार देखोगे जैसे कोई सिद्धांत होता है वो पहले कई साल 500 साल 100 साल इतने बहुत प्रचारित रहा, फिर वो सिमटता चला गया और आज वो लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय का मतलब है ख़त्म नहीं होता लेकिन छिप जाता है। तो वो इसी तरीके से छिपेगा कि तरंग वापस आई और फिर किसी और में वो एक जो गृहस्थी भाव रहा वो बहुत आपका प्रिय रहा, उस भाव का बहुत कट्टर फॉलोअर रहा, बेशक सिमटता चला गया। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये मार्शल आर्ट है या ये सिद्धांत है, इसको लेकर वो पूरी कट्टरता से, तो फिर वो जो है जो मेरी एनर्जी है वो संगठित होती हुई वापस आई और जो शेष कर्म रह गया था मेरा, जो साइड के कर्म थे पहले के बाद दूसरे नंबर तीसरे नंबर के जो कर्म रह गए थे वो फिर पुनः मैं अवतरित होऊंगा। अब मैं गर्भ से फिर आ गया और जन्म लिया और फिर मेरा वो कर्म फिर शुरू हो जाता। तो अवतरित होना मतलब ये सिमट के आई और फिर कंकट फिर गिरा इसी भवसागर में, गिरने के बाद फिर तरंगित करा। तो मेरा जो सेकेंडरी था फिर उस सेकेंडरी को मैं और ज़्यादा विस्फोटक रूप से करूँगा, उसे समझ लूँगा और समझने के उपरांत समझूंगा, क्योंकि पीछे का मैं उसे कर चुका, जो भाव मैं कर चुका उस जो शेष रह गया उसके प्रति मैं संकल्पित हो जाऊँगा और फिर मेरी एनर्जी फटेगी। ये ऐसे चलता है। तो मान लो विवेकानंद हो तो या कोई दयानंद हो या महाराज कोई भी हो, तो वो क्या है, वो अपने अनुयायी अपने मिशन के माध्यम से उनकी चीज़ें फैलती रहती हैं और फिर सिमटेंगे वो। अब इसमें सिमटने में कितने उसका व्यक्ति वो रहा, जैसे एक नॉर्मली यहाँ फर्स्ट क्लास कर ली उसने, मतलब यहाँ के किसी कॉलेज में फर्स्ट क्लास आ गया, एक में उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा, एक में यूपी टॉप करा, एक में राष्ट्रीय स्तर का टॉप करा और एक अंतर्राष्ट्रीय का साइंटिस्ट हो गया, तो कितना उसके अंदर एनर्जी विस्फोट करी है, कितना वो वर्ल्ड फेमस, और वर्ल्ड फेमस में भी एक लोगों के बीच में रहना, बहुत सारे उसी के समकालीन लोग हैं, उसी सिद्धांत को या उसके आसपास के सिद्धांत को मानने वाले लोग या जानने वाले लोग अपने अपने लेकर, जैसे बुद्धिज्म चल रहा है, जैनिज्म चल रहा है, कोई भी चीज़ चल रही है वो भी हैं, और एक इनमें भी सर्वश्रेष्ठ हो जाना, समझे, तो वो सर्वश्रेष्ठ का मतलब है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर रहा है, तो उसका पूरे जैसे कहते हैं ना महासागर में तरंगित रहेगा। जैसे आप अवतारों को देखोगे हैं तो ये विषय है और समेट के फिर आ जाएगा, तो इसमें 100 साल भी लग सकते हैं, तो अक्सर माना गया 500 साल। तो आप देखोगे हाँ जैसे कि हमसे पीछे जो नानक देव वगैरह ये हुए, तो इनके नानक कबीर ये सब कहाँ 500 साल हो चुके हैं, और इससे भी पीछे आप देखोगे, और तो ऐसे करके अगर तुम पीछे चलोगे तो जैसे बीच में 5000 साल का भी है, 5000, 10000 साल। अब ये तो भाई एक वो हो गया कि हम अपने तरीके से मानते हैं और जो इतिहास है और जो साइंस का मेथड है वो अपने हिसाब से मानता कि लगभग इतने साल एक्यूरेट हुआ। तो आप देखोगे हरेक उसके बीच में, जैसे बुद्ध हुआ उसके ठीक 500 साल बाद में दूसरा धर्म आया, ईसा मसीहों का आया, मूसा आए, ईसा मसीह आए, फिर ये मोहम्मद साहब आए, और इस तरीके से चलते हुए हर एक के बीच में अगर देखो तो 500 साल का अंतर है। लेकिन आप देखोगे जैन धर्म है और उनके धर्म में बुद्ध इधर पैदा हुए, उससे 60 साल पहले ही जो है महावीर स्वामी हैं वो अपना शरीर त्यागा, निर्वाण प्राप्त करा, इनमें कुल 60 साल का है अंतर। तो वो 60 साल के बाद उनके 24 अवतार हैं, वो 24वें में बहुत जोर से ब्लास्ट हुए और उनका जैनिज्म फैला धर्म। लेकिन बुद्ध का पीछे का उनका उल्लेखित है लेकिन ऐसा पर कन्फर्म नहीं है, मतलब कन्फर्म का अर्थ होता है कि हाँ ये जैसे इतने वा अवतार हैं, बुद्ध इतने वे अवतार हैं। तो यहाँ से अवतारवाद कैसे आया कि लामाओं का अवतार चलना शुरू हो गया कि भाई नहीं बुद्ध जो हैं, जो बोधि धर्म को प्राप्त हो गया, बुद्धिज्म को प्राप्त हो गया, बोध का मतलब है जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, तो वो पुनर्जन्म लेकर जैसे ये लामा चल रहे हैं वर्तमान में, ये परंपरा चलती है तो ऐसे चल के। लेकिन यहाँ कहाँ विस्फोट दिख रहा है इतना, जो बुद्ध का विस्फोट है, जो औरों का विस्फोट है, वो इतना कहाँ दिख रहा। तो ये सिमटने के बाद में फिर जन्म लेगा। अब ये गारंटी नहीं कही जा सकती कि एक अनुमानित है, हम संख्या के तौर पर जैसे हम कहते हैं 7 की संख्या हो गई है ना, 7 रश्मियाँ हैं, 7 वार हैं, या समझो कि 12 महीने, 12 साल का ही काम होता है, जैसे जन्म कुंडली को हम देखेंगे तो 12 खाने होती, तो इनको आधार के माना गया, या तो वो 3 तमगुण रजगुण सतगुण, और सतगुण इनके आधार पर वो तीसरे या 300 साल बाद या 30 साल बाद, जैसी छोटी छोटी सी आत्मा वाला विज्ञान है उसका जैसा संकल्प है, और फिर उसके बाद में वो 300 के बाद जैसे पंचतत्व का आधार है, अगर उसने पंचतत्वों का अधिकार कर रखा है तो वो ठीक 50 साल में जन्म ले सकता है या फिर 500 साल में जन्म लेगा। और जिसने मतलब 7 चक्र पर अधिकार कर रखा है, जिसने हम जैसे कहेंगे कि निर्वाण
निर्विकल्प है, जिसने निर्विकल्प का मतलब मैं अपने आप, मेरा जो अवतरण है वो मेरे अपने हाथ में, अब वो चाहे गर्भ से आए चाहे वो किसी भी चीज़ से प्रकट हो, तो वो व्यक्ति उसकी जो इच्छा है, तो उस अनुपात 7 के आंकड़े से लगेगा कि वो 70 साल में भी हो सकता है, 700 साल में भी हो सकता है, इस तरीके से चीज़ बैठी है, और बहुत ही शॉर्ट उसने जन्म ले लिया तो 7वें साल में ले सकता है, ये आ गया। तो वो यहाँ पे आम मनुष्य में क्या होता है, जो आम तौर पे होता है उसकी बहुत छोटी संकल्प इच्छा शक्ति कहाँ हुए, तो वो नॉर्मली जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि वो पंद्रहवाड़े के अनुपात में, जैसे मतलब अमावस से पूर्णमासी या पूर्णमासी अमावस, इस तरीके से वो गर्भ में जाता है, फिर वो 9 महीने के अंतराल में आ गया, है नहीं। तो ये विषय चलता है कि 3, 5, 7 और 9 यहाँ पे आता कि वो 1000 साल बाद लौटा, ये सब इस तरीके से। इसमें गुरु जी एक बात और आती है, जैसे कि मान लीजिए महात्मा बुद्ध रहे, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वो भाई मान लीजिए वो किसी और मिशन में आते हैं या महात्मा बुद्ध दोबारा अवतरित होते हैं, तो जब वो वहाँ से सिमट गए बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म बिल्कुल नीचे जाता रहेगा या किस तरीके से हैंडल करेंगे, या दोनों बराबर चलते हाँ, रहते हैं? देखिए अगर वो उसी मत को पूरी तरीके से जान पाए ना, तो उसमें मैंने बताई उस मत में भी कि ये इसकी साइड सपोर्ट वाला जो मत होगा, जो उनकी मैं जैसे के है और फिर मुझे खे पकड़ना है, ठीक है, इसके सपोर्ट को, तो के तो फैल चुका है, अब जब वो सिमटेगा तो उसमें आ जाती है क्रूतियाँ, तो क्रूतियाँ से निपटाने के लिए वो क्या काम करेंगे कि आएंगे उसी में ही, उसी का मतलब है कि उसी सिद्धांत को लेकर पुनः आएंगे। तो 500 साल में विकृति आने के कारण जो मूल सिद्धांत था वो समझ में ही नहीं आया लोगों को, क्योंकि तो गायब हो गया, तो लौट के जब उस सिद्धांत को फिर कैसे समझाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये क्या हमारे सिद्धांत को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो उसके धीरे 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 और कम होते चले गए और उस सिद्धांत पर कट्टर हो गए, तो उन्होंने कहा ये नहीं है, इसका संशोधित रूप नहीं है, हम तुम्हारे संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे। वेदों का तुम देखोगे, और उसके बाद जैसे महर्षि दयानंद ने आर्य समाज चलाया, उन्होंने वेदों को अपने तरीके से करा, अब उसमें बहुतों ने कहा नहीं इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से नहीं, जो बीच में ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणवाद में वहाँ जिन्होंने उस तरीके से उसका अध्ययन करा, कुछ अपने खाने कमाने का धंधा बना लिया, तो उन्होंने वो डर भी उत्पन्न करा उसके माध्यम से, जबकि वेद क्या कहता अपने को जानो, और उन्होंने कहा किसी और को जानो, अंतर ही कर दिया। तो यहाँ फर्क आया कि वो लौट के है एक तरीके से उसको बताएगा कि अपने को ही जानो, तो वो डूबेगा नहीं, वो जो मैंने पहले बता दिया लुप्त प्राय हो जाएगा, बहुत कम संख्या में हो जाएंगे, फिर उन्हीं के बीच में अवतरित होगा वो, चाहे वो कहीं और भी ले सकता है, जो भी उसके उस सिद्धांत के मूल स्वरूप को जानता हो। एक कट्टरों ने तो अपना वो बना लिया कि हम तो इसके अलावा मानेंगे नहीं, हमने तो अपने को सिमेट रखा, घोट रखा, और एक ने उसका और जो उसका मूल सिद्धांत चला था स्वतंत्रतावाद, अपने को जानो, एक तरीका ध्यान का विधि जो थी वो अपनी स्वतंत्रता को, बंधन को नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसी चीज को मानने वाला जो कोई कट्टर होगा उसके यहाँ जन्म ले लेगा, सरल होगा व्यक्ति, मतलब जैसे कहेंगे कि ये तो कोई सिद्धांत नहीं मानता, ये तो कोई खास पूजा पाठ नहीं करता, अरे वो सरल तो है, अगर वो सरल है, स्वेच्छित उसको रखता है, सताता नहीं लोगों को, या इस तरीके की वातावरण रखने के बाद उसके बीच में आ जाएगा वो, और वहाँ से उठ के फिर उसी सिद्धांत को चलाएगा। अब जैसे मेरा ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान तुम्हारे माध्यम में नहीं काम कर रहा, अब तुम्हारे में अगर वो पूरी तरीके से नहीं आया तो फिर क्या होगा, वो और सिमटता चला गया, सिमटता चला गया, और तुमने कही यार बताए तो करे करे गुरु जी, लेकिन क्या बतावे ये समझ में नहीं आया हमें, तो पता चली तुमने जो मेरे सिद्धांत और मेरे ज्ञान में उसमें एक विकृति लानी शुरू कर दी, और विकृति आने का क्या बात हुआ, जो मूल विद्या थी उसमें कुछ और ही आ गया, तब मैं लौटूंगा, क्योंकि मैं तो विकृति नहीं हूँ, विकृति ही सिमटेगी, है नहीं, जो मेरी प्रवृत्ति है वो फैलेगी और जो विकृति है वो मुझे समेटेगी, तुम्हारे माध्यम से मेरी एनर्जी तुम्हें छोड़ती चली जाएगी कि भाई ये मेरे को मतलब मुझे अनुपात में सही नहीं कर रहे, तो छोड़ती चली जाएगी, जैसी छोड़ के वापिस से केंद्रित होगी और मैं पुनः अवतरित हो जाऊंगा। तो गुरुजी इसका मतलब कोई भी मठ हम कह सकते हैं पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्योंकि जो उनके फाउंडर होते हैं वो वहाँ पर पुनर्अवतरित होते रहते हैं। हाँ, इसलिए तुम्हें दिखाई देते रहेंगे काफ़ी सारे जो मठ हैं छोटे छोटे, जैसे अब पहले कहीं जैसे कभी संतोषी माता हुई तो उनकी फिल्म बनी लेकिन विस्फोट हुआ है, पता चली संतोषी माता के चारों तरफ बन गए, लेकिन उनका मूल मंदिर है ही नहीं, तो लेकिन वो चला भाव, वो कभी भाव रहा होगा, जैसे हमारी पूर्णिमा देवी हैं कि सत्यनारायण चल रहे, सत्यनारायण पूर्णमासी को खीर बटता था, सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण भगवान अकेले दिखाए गए हैं,
एकल, तो उनका क्या सिद्धांत है? एक भगवान था और जिसने अपने को एको बहुश्याम कह के और सब में जो है विस्तृत कर दिया के और मैं सब जीव जंतुओं में तब्दील हो गया, लेकिन उसमें आ गया अगर वो एक पुरुष था तो पुरुष स्त्री का नहीं बनेगा, तो क्योंकि वो स्त्री या तो पुरुष ही पैदा करेगा और स्त्री भगवान होगी अगर जगत में एक तो स्त्री ही पैदा करेगी, वो उसे कहाँ पता पुरुष कौन है क्या है और उसे कहाँ पता स्त्री क्या है, तो जगत में स्त्री होनी चाहिए या पुरुष होनी चाहिए, इसका मतलब है कि दोनों ही चीज़ थी, दोनों ही जीव थे या दोनों ही आत्माएं थी, आत्मा का आधा पार्ट जो मैं पीछे सब मैं बता चुका हूँ कि आधा पुरुष आधी स्त्री और दोनों मिलकर संयुक्त हुआ एक पूरा रिंग, जैसे हम काट देते हैं तो अष्टमी और अष्टमी अष्टमी दोनों मिलकर सोलह कला ये बन गई, चाहे अमावस है चाहे पूर्णमासी, तो जब पूर्णमासी का मतलब प्रकाशित और जो है अमावस का मतलब है बीज स्वरूप, जहाँ वो छिप छिप गई है, छिपने के बाद वो प्रकट हो गई, यही अवतार में कोई इसमें शेष रह जाएगी फिर मैं बता दूंगा। आशीर्वाद करता हूँ ये ज्ञान समझ में आया होगा। जय सप्तम सिद्धाय नमः।